मित्रों 17 सितंबर को कनागत यानी कि श्राद्ध पर्व शुरू हो चुका है और आने वाली 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पर्व चलेगा। श्राद्ध पर्व की शुरुआत हमेशा पूर्णिमा को होती है क्योंकि श्राद्ध के आखिरी दिन फिर अमावस आती है और उसके बाद फिर पूर्णिमा को आने में समय लगता है, ये नियम चलता है। श्राद्ध पर्व हमारे वो बुजुर्ग जो आज दुनिया से जा चुके हैं यानी कि परम धाम को प्राप्त हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग थे उनके लिए हम श्रद्धा भावना से दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इसको श्राद्ध पर्व कहा जाता है। इस पखवाड़े में हम अपने बुजुर्गों को याद करते हुए सभी जीव जंतुओं को, गरीब गुरबा लोगों को और ब्राह्मण भोजन और खास तौर से कौओं को, कुत्तों को और गाय को भरपूर मात्रा में भोजन करवाते हैं यानी कि उनकी सेवा करते हैं। हकीकत में दोस्तों हम अपने पितरों के नाम पर ये दान पुण्य करते हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लंगर और भंडारे भी चलाते हैं अपने पितरों के नाम से, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद स्वरूप में हमारी वंशवेल बढ़ती चली जाती है, हमें रुपए पैसे से संबंधित दिक्कत परेशानी नहीं आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इस तरीके से हमारे पितरों का हमें आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार से हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलने के कारण हमारी आगे आने वाली नस्ल यानी कि हमारी संतान से संबंधित खूबियाँ निकल के आती हैं, हमें अपनी औलाद का सुख मिलता है और हमारी औलाद की भी तरक्की होती है। और इसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है वो समझिए, ये हमारे देश धर्म हमारी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। कारण कि हमारे पितर जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हम उनके उसी वटवृक्ष की टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, यानी कि हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बुजुर्गों को याद करें और उनके नाम से अपनी नेक कमाई से कुछ खर्चा करें जिससे हमारे समाज को फायदा हो, हमारे समाज में व्याप्त जीव जंतुओं को, हमारी प्रकृति को भी फायदा मिले और हम अपने बुजुर्गों का जो आज दुनिया में नहीं है, जो हमारे पितर हैं, उनका आशीर्वाद पाएं और हम भी जीवन में खुशहाली पाएं। और इसमें एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज के समय में बहुत सारे लोग फालतू की नास्तिकता या वामपंथी विचारधारा से जुड़ के और खास तौर से अपनी हिंदू सनातन परंपराओं को बुरा भला कहने लगते हैं कि पितर जो जल गए, जो राख हो गए, जो फूल बहा दिए गए, अस्थियां बहा दी गई, उन तक कैसे पहुंचेगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल देता हूं कि ये जो हम भोजन करवाते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जीव जंतुओं की सेवा करते हैं या प्रकृति की मदद करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, ये सारा का सारा हम पितरों के नाम से करते हैं और इसी समाज में जो हमारे आसपास जीव जंतु और लोग होते हैं उनकी सेवा की जाती है। इसलिए 2 अंग्रेजी की किताबें पढ़ के या विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप सनातन के विरोधी मत बनिए, सनातन परंपराएं प्राकृतिक रूप से हैं और समाज को जोड़ने के लिए हैं। नमस्कार।